हाँ तो गाइस काफी दिनों से यार मुझे यहाँ पे जो डिमांड आ रहा था कि ऑडेसिटी का जो वॉइस एडिटिंग है उसके ऊपर वीडियो बनाओ। सो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग आउट दिस वीडियो। एंड गाइस तुम्हें तो पता ही होगा कि ऑडेसिटी कितना बड़ा सॉफ्टवेयर है। इसको यहाँ पे जो बड़े बड़े वॉइस ओवर आर्टिस्ट होते हैं वो लोग यहाँ पे इसको यूज करते हैं। बिकॉज गाइस यहाँ पे ऑडेसिटी में जिस लेवल का वॉइस एडिटिंग होता है वो काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि यहाँ पे ऑडेसिटी पे तुमको बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं तुम्हारे वॉइस को एडिट करने के लिए। सो देखो मैं यहाँ पे ऑडेसिटी के बारे में आज हम लोग यहाँ पे डिटेल में बात नहीं करेंगे। मैं बेसिकली तुमको एक यहाँ पे प्रीसेट देने वाला हूँ जिसका यूज करके तुम अपने ऑडियो को बिल्कुल यहाँ पे जो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल कर सकते हो। बस तुमको वो वाले प्रीसेट को अपने वॉइस में लगा लेना है, तुम्हारा भी वॉइस बिल्कुल यहाँ पे जो मैजिकल हो जाएगा। तुम चाहे किसी भी तरह का वीडियो बनाते हो, स्पेशल अगर तुम यहाँ पे वॉइस ओवर वीडियो बनाते हो या फिर फैक्ट वीडियोस बनाते हो, तो तुम्हारे लिए ये वाले वीडियो मतलब यहाँ पे जो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। लास्ट में सारा सेटिंग्स हो जाने के बाद मैं तुमको प्रीसेट का यूज करने से पहले वाला वॉइस सुनाऊंगा, एंड उसके बाद जो प्रीसेट का यूज करके जो फाइनल आउटपुट निकला है उसको सुनाऊंगा। एंड तुम यहाँ पे खुद यहाँ पे नोटिस आउट कर लोगे कि दोनों वॉइस में कितना ज्यादा डिफरेंस है। सो अभी डायरेक्टली चलते हैं ऑडेसिटी पर। सो देखो जब हम लोग डायरेक्टली अपना यहाँ पे जो स्क्रीन पर आ चुके, ठीक है, सबसे पहले तुमको यहाँ पे जो ऑडेसिटी को ओपन कर लेना है कुछ स्टेप से। अब देखो यहाँ पे मैं तुमको दो चीजें बताने वाला हूँ। सबसे पहले बताऊंगा कि तुमको किस स्टेप से वॉइस ओवर करना है, मतलब तुम्हारा वॉइस जो है उसको रिकॉर्ड किस स्टेप से करना है। एंड उसके बाद मैं तुमको बताऊंगा कि उसको जो प्रॉपर्ली एडिटिंग कैसे करना है, जिससे तुमको एक यहाँ पे जो काफी अच्छा क्वालिटी का आउटपुट मिल सके। ठीक है, तो देखो वॉइस को सबसे पहले तुमको मतलब रिकॉर्ड करना पड़ेगा, मतलब वॉइस ओवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो अगर तुम्हारे पास काफी अच्छा खासा माइक है, ठीक है, मतलब कुछ स्टेप का जो यहाँ पे कंडेंसर माइक्रोफोन होता है, ठीक है, वो अगर तुम्हारे पास है तो डायरेक्टली तुम जो उसका यहाँ पे प्लग इन करके इसको जो अपना यहाँ पे लैपटॉप पे प्लग करके जो है डायरेक्टली यहाँ पे ऑडिसिटी से यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे जो तुमको आ रहा होगा ये वाला रेड डॉट, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। लाइक मैं तुमको दिखाता हूँ, ये देखो, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया। हाँ तो ये वाला वीडियो मैं तुमको बताने वाला हूँ, ठीक है, हम लोग का वॉइस रिकॉर्ड हो चुका है, मैं तुमको सुनाता हूँ। ठीक है, मतलब तुम डायरेक्टली यहाँ पे जो ऑडिसिटी पे रिकॉर्ड कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास यहाँ पे काफी अच्छा खासा कंडीशनर माइक्रोफोन है, ठीक है, डायरेक्टली उसका प्लग इन करके जो है रिकॉर्ड कर सकते हो डायरेक्टली तुम्हारे जो ऑडिसिटी पर। बट गाइस यहाँ पे जो बहुत लोगों के पास माइक्रोफोन नहीं होता है, ठीक है, तो उस हालत में तुमको क्या करना है, अपना फोन में ही रिकॉर्ड करना है। ठीक है, बहुत लोग पूछते हैं भाई कौन सा मतलब जो ऐप से हमको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो देखो जो ओरिजिनल ऐप होता है ना उसे रिकॉर्ड करना है। ये देखो रिकॉर्डर आ रहा है, ये वाला बेसिकली फोन है रेडमी नोट 11 है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे जो ओरिजिनल रिकॉर्डर आता है यहीं से तुमको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, रिकॉर्ड पर क्लिक करके यहाँ पे जो है रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके तुमको बोलना शुरू करना है और यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। ठीक है, मैं तुमको एक यहाँ पे एग्जांपल के लिए रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ। सो देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे कुछ छोटा मोटा एक यहाँ पे जो स्क्रिप्ट लिख रखा है, 5 मोस्ट सब्सक्राइब चैनल इंडिया में, ठीक है, ये सारा है। ठीक है, तो अब मैं इसको तुमको यहाँ पे जो रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो अपना यहाँ पे रिकॉर्डर ऐप को ओपन कर लिया, ठीक है, एंड यहाँ पे तुमको स्टार्ट पे क्लिक करके इसको यहाँ पे जो बोलना शुरू करना है। गाइस ये वाले वीडियो में मैं तुमको बताने वाला हूँ इंडिया के 5 मोस्ट सब्सक्राइब चैनल के बारे में। ठीक है, फिर तुमको मतलब जो यहाँ पे थोड़ा पॉज लेना है, फिर तुमको बोलना शुरू करना है। नंबर 5 पे आते हैं टेक्नो गेमर्स, नंबर 4 पे आते हैं खानदेशी मूवीज, नंबर 3 पे आते हैं टोटल गेमिंग, नंबर 2 पे आते हैं जेके एंटरटेनमेंट एंड नंबर 1 पे आते हैं कैरी मिनाटी। तो ये देखो कुछ हिसाब से हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया, अब तुमको इसको यहाँ पे डन कर देना। ठीक है, ओके कर देना। अब मैं तुमको यहाँ पे दिखाता हूँ कि किस पैटर्न में हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है। ये देखो, ठीक है, तो देखो ये हम लोग यहाँ पे वेव आ चुका है, तो तुमको दिख रहा होगा कि हमने यहाँ पे जो गैप लिया है यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा फोकस करता हूँ, ये देखो यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है। बेसिकली गाइस मतलब तुमको यहाँ पे जो मतलब राउंड में रिकॉर्ड करना है। ठीक है, मतलब बीच में थोड़ा जो गैप दे देके बोलना है। अब देखो फाइनली हम लोग यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो चुका है। ठीक है, अब तुमको इसको यहाँ पे तुम्हारा लैपटॉप पे सेंड करना है और वहाँ पे एडिटिंग करना है। ठीक है, तो फटाफट से मैं इसको जो अपने यहाँ पे लैपटॉप में सेंड करता हूँ और वहाँ पे मैं तुमको अब यहाँ पे जो एडिटिंग वाला पार्ट को शुरू करके जो है बताता हूँ कि तुमको किस टाइप से कौन सा प्रीसेट लगाना है यहाँ पे। ठीक है, अब ऐसे लाजवाब वेबसाइट www.lotus365.com के बारे में बताने जा रहा हूँ, जहाँ तुम अपना क्रिकेट नॉलेज का यूज करके अच्छा इनाम जीत सकते हो। तुमको यहाँ बताना होता है कि क्रिकेट मैच कौन अच्छा खेलेगा एंड 200 प्लस और बहुत सारे गेम्स खेल सकती हो, मतलब गोवा के मजे इनके साइड पे। इसमें से जो मैं खेलता हूँ वो है क्रिकेट। अपना नॉलेज से मुझे बताना होता है कि कौन टीम अच्छा खेलेगा। लोटस 365 ये एक ट्रस्टेड एंड सेफ वेबसाइट है, जिनके ब्रांड एम्बेसडर है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रतोला, कृतिकरा बंडा और काजर अग्रवाल। एंड इनके इंस्टाग्राम @lotus365 वर्ल्ड को फॉलो करो और देखो कितना सेलिब्रिटी इनका प्रमोशन करते हैं, हैरान हो जाओगे तुम देखकर। सबसे अच्छी चीज तुम्हारा विड्रॉल यहाँ पे 20 मिनट्स के अंदर होता है, चाहे दिन हो या रात। अभी अकाउंट ओपन पे मिलेगा 365 का बोनस और पहले डिपॉजिट पे मिलेगा 5000 का बोनस। अभी रजिस्टर करो www.lotus365.com पे, लिंक मैंने पिन कमेंट में दे दिया है। तो देखो हमने जो अपने फोन में रिकॉर्डिंग किया था ये वाला ऑडियो को, ठीक है, उसको डायरेक्टली हमने जो अपने लैपटॉप में भेज दिया है। ठीक है, तुमको दिख रहा होगा रिकॉर्डिंग नाम से इसको मैंने यहाँ पे जो USB के थ्रू सेंड कर दिया। ठीक है, अब तुमको क्या करना है कि इसको जो यहाँ पे ऑडेसिटी में लेके जाना है कुछ स्टेप से। ठीक है, अब ऑडेसिटी में हम लोग यहाँ पे ऑडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पे जो है जो भी हमने ऑडियो को रिकॉर्ड किया था वो आ चुका। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग जो यहाँ पे एडिटिंग वाला पार्ट शुरू हुआ। ठीक है, ये वही वाला वीडियो है, मतलब ऑडियो है, सॉरी, उसको मैं तुमको सुना भी दूंगा। ठीक है, तो देखो मैं जो तुमको बोला था कि स्टार्टिंग में प्रीसेट के बारे में, जिससे तुम्हारा वॉइस जो काफी ज्यादा यहाँ पे अच्छा हो जाएगा, डीप बन जाएगा, अट्रैक्टिव बन जाएगा। ठीक है, तो देखो वो बेसिकली मैं जो भी प्रीसेट होता है उसमें तुमको बेसिकली 3 चीजें करना पड़ेगा। ठीक है, 3 स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, उसको अगर तुम फॉलो करते हो तो तुम्हारा वॉइस में भी काफी ज्यादा अच्छा जो यहाँ पे बेस आएगा, ट्रेवल आएगा, मतलब ओवरऑल जो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव वॉइस बन जाएगा तुम्हारा, जो कि एक यूट्यूब वीडियो के लिए काफी ज्यादा परफेक्ट होगा। तो बस तुमको करना कुछ नहीं, जो भी मैं तुमको 3 स्टेप बताऊंगा उसको तुमको फॉलो करना है, तुम्हारा वॉइस भी कुछ टाइप का हो जाएगा। ठीक है, मैं तुमको बिफोर एंड आफ्टर भी सुनाऊंगा। तो देखो सबसे पहले तुमको क्या करना है, पहला स्टेप में ये देखो यहाँ से आते तुमको कुछ खाली जगह मिल रहा होगा। ठीक है, यहाँ से आते कुछ खाली जगह है। ठीक है, ये भी खाली जगह थोड़ा। ठीक है, ये गैप लिया हुआ जो मैंने तुमको बोला था कि गैप लेना, इसलिए बोला था। ठीक है, ये खाली जगह। ठीक है, तो तुमको कोई वाला कोई भी सेलेक्ट कर लेना है, लाइक मैं यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, कोई भी खाली जगह को तुमको सेलेक्ट करना है एंड उसके बाद जाना है तुमको इफेक्ट में। ठीक है, एंड इफेक्ट में जाने के बाद तुमको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे नॉइज रिडक्शन का। ठीक है, यहाँ पे तुमको क्लिक करना है।
जैसे तुम यहाँ पे नॉइज रिडक्शन पे क्लिक करोगे तो तुम्हारे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है गेट नॉइज प्रोफाइल, ठीक है यहाँ पे क्लिक कर देना। एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद तुमको जो ये वाला पूरा को सेलेक्ट करना है, ठीक है सेलेक्ट कैसे करना है तुमको कंट्रोल ये करना है, ठीक है कंट्रोल ये करोगे तो ये वाला पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, जो हम लोग यहाँ पे ऑडियो जो भी है वो पूरा हम लोग यहाँ पे जो सेलेक्ट हो चुका, ठीक है। अब तुमको तुमको क्या करना है, फिर से इफेक्ट में जाना है। एंड इफेक्ट में जाने के बाद तुमको एक ऑप्शन मिलेगा रिपीट नॉइज रिडक्शन, ठीक है रिपीट नॉइज रिडक्शन, इसको तुमको यहाँ पे ओके कर देना है, ठीक है। अब देखो इससे क्या हुआ कि हम लोग ऑडियो में जो भी नॉइज था, ठीक है वो हम लोग यहाँ पे जो है काफी अच्छे तरह से परफेक्टली जो है रिमूव हो चुका है, ठीक है। तो पहला स्टेप में हम लोग यहाँ पे जो भी नॉइज था वो रिमूव हो चुका है, तुमको ये वाला स्टेप को जो है बिल्कुल जो यहाँ पे फॉलो करके कुछ स्टेप से करना है, जिससे तुम्हारा जो भी तुम्हारा ऑडियो होगा उससे तुम्हारा जो यहाँ पे नॉइज जो है काफी अच्छे तरह से हट जाएगा, ठीक है। अब देखो सेकंड स्टेप में तुमको क्या करना है, सेकंड स्टेप में तुमको यहाँ पे खाली जगह जो दिख रहा होगा इसको हटाना है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली साइलेंस है, ठीक है यहाँ पे हमने कुछ नहीं बोला है, तो तुमको इसको हटाना है, ठीक है। देखो यहाँ से यहाँ तक क्लिक करना है इसको जो भी खाली जगह है। एंड यहाँ पे तुमको कट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे तुमको क्लिक करना है या फिर तुम शॉर्टकट दबा सकते हो कंट्रोल एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कट पे क्लिक करता हूँ अभी, ठीक है देखो कट हो चुका है हम लोग का। अब देखो यहाँ से यहाँ तक भी ये वाला जो गैप है, ठीक है इसको भी तुमको कट करना है, जिससे हमको जो यहाँ पे एक समान ऑडियो मिल सके ना। ये देखो ये भी कट हो चुका है। अब फिर तुमको ये वाला यहाँ से यहाँ तक जो ये खाली जगह है इसको भी कट कर देना, ठीक है। अब हम लोग का ऑडियो आ चुका है, देखो अब मैं तुमको थोड़ा सुनाता हूँ। ये बिल्कुल जो अनएडिटेड है, अभी मैंने इसको कुछ भी एडिटिंग नहीं किया, क्योंकि हम लोग का जो स्टेप थ्री है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है उसमें मैं तुमको एडिटिंग के बारे में बताऊंगा। ये देखो गाइस ये वाले वीडियो में मैं तुमको बताने वाला हूँ इंडिया के पांच मोस्ट सब्सक्राइब चैनल के बारे में। नंबर फाइव पे आते हैं टेक्नो गेमर्स, नंबर फोर पे आते हैं खानदेशी मूवीज, नंबर थ्री पे आते हैं टोटल गेमिंग, नंबर टू पे आते हैं जेके एंटरटेनमेंट एंड नंबर वन पे आते हैं कैरी मिनाटी। तो गाइस तुमने अभी ये वाला ऑडियो को यहाँ पे सुन लिया, ठीक है ये इसको मैंने थोड़ा भी यहाँ पे एडिटिंग नहीं किया है, बिल्कुल ये अनएडिटेड ऑडियो है, ठीक है। एडिटिंग के बाद ये और भी काफी ज्यादा मस्त होने वाला है, ठीक है। तो देखो अब एडिटिंग में तुमको जो तीसरा स्टेप है वही वाला मेन है, ठीक है। तीसरा स्टेप को तुमको ध्यान से देखना है, उसमें मैं तुमको एडिटिंग के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो जो भी तुम्हारा वॉइस है, ठीक है उसको सेलेक्ट कर लेना है। देखो यहाँ से यहाँ तक हम लोग का वॉइस है, ठीक है यहाँ पे हमने बोला है, ठीक है। तो इसको तुमको सेलेक्ट कर लेना है। अब तीसरा स्टेप में तुमको क्या करना है, इफेक्ट में जाना है, ठीक है। इफेक्ट में जाने के बाद तुमको जाना है यहाँ पे फिल्टर कर्व EQ, ये वाला ऑप्शन तुमको दिख रहा होगा, ठीक है। फिल्टर कर्व EQ पे तुमको क्लिक करना है। एंड यहाँ पे तुमको मैनेज का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे ऑप्शन जाने के बाद तुमको एक ऑप्शन मिलेगा फैक्ट्री प्रीसेट, यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी तुमको तीन चीजें करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तुमको चीज क्या करना पड़ेगा, बेस बूस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बेस को जो मैं तुम्हारा जो भी तुम्हारा ऑडियो में बेस है उसको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो तुमको बेस बूस्ट पे क्लिक करके जो यहाँ पे ओके कर देना, ठीक है। एक हम लोग का हो चुका है। फिर से तुमको इफेक्ट में जाना है, फिर से वहीं पे जाना है, ठीक है। फिल्टर कर्व EQ में जाना है, फिर से मैनेज में जाना है, यहाँ पे फिर से फैक्ट्री प्रीसेट पे जाना है। अब देखो बेस बूस्ट तो हम लोग का हो चुका है, अब हम लोग को तो लगाना है यहाँ पे ट्रेवल बूस्ट, ट्रेवल भी डालना है थोड़ा अपने आवाज में, ठीक है। तो ट्रेवल बूस्ट पे क्लिक करना है, फिर इसको ओके कर देना, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे ट्रेवल भी लग चुका है। अब फिर से तुमको इफेक्ट में जाना है, फिर से तुमको फिल्टर कर्व EQ पे जाना है एंड मैनेज पे जाना है एंड फैक्ट्री प्रीसेट पे जाने के बाद तुमको जो है एक लास्ट ऑप्शन करना है, ये वाला, ठीक है, लो रोल ऑफ फॉर स्पीच, ठीक है। देखो बेस बूस्ट हो चुका है, ट्रेवल बूस्ट हो चुका है, अब लास्ट में तुमको जो ये वाला भी लगा देना, ठीक है, लो रोल ऑफ फॉर स्पीच, जिससे तुम्हारा वोकल जो है काफी और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको क्लिक करके यहाँ पे जो है ओके कर देना, ठीक है। तुमको तीन चीजें करना है फिल्टर कर्व EQ में, ठीक है, मैंने तुमको सारा तीन चीज बता दिया, ठीक है। तो देखो तुमको एंडिंग में और दो चीज कर देना है, जिससे तुम्हारा ऑडियो बिल्कुल यहाँ पे जो मस्त हो जाएगा, ठीक है, और क्वालिटी मतलब और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। उसके लिए तुमको क्या करना है, पूरा ट्रैक को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जहाँ पे भी तुम्हारा ऑडियो है, ये पूरा ट्रैक को सेलेक्ट करने के बाद तुमको इफेक्ट में जाना है। एंड इफेक्ट में जाने के बाद तुमको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे कंप्रेसर का, ठीक है, कंप्रेसर पे क्लिक करना है और ये जो सेटिंग आ रहा है इसी को रखने देना, ठीक है। कोई भी यहाँ पे शेरगानी नहीं करना है, ओके कर देना, ठीक है। अब देखो इससे तुम्हारा ऑडियो थोड़ा यहाँ पे लाउड हो गया, ठीक है। एंड इसके बाद तुमको फिर यहाँ पे इफेक्ट में जाना है। एंड उसके बाद तुमको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे नॉर्मलाइज का, ठीक है। सबसे पहले हमने कंप्रेसर लगा दिया, उसके बाद तुमको यहाँ पे नॉर्मलाइज पे क्लिक करना है और इसको जो भी मतलब इसका भी जो मतलब जो ऑलरेडी सेटिंग आ रहा है उसी को रहने देना और ओके कर देना, ठीक है। अब इससे तुम्हारा जो मतलब नॉर्मलाइज से क्या होगा कि पूरा ट्रैक में जो है एक लेवल का ऑडियो हो जाएगा, ठीक है। अब अगर तुमको कुछ भी समझ में नहीं आता तो तुम सिर्फ इतना समझ लो कि जाके सबसे पहले तुमको यहाँ पे जो ये कंप्रेशन लगाना है एंड उसके बाद तुमको यहाँ पे जो नॉर्मलाइज लगाना है एंडिंग में, ठीक है। इससे पहले जो मैंने तुमको तीन चीजें बताया और अभी एंडिंग में दो चीजें बताया, ठीक है। ये अगर तुम भी काफी अच्छे तरह से फॉलो करते हो तो तुम्हारा भी ऑडियो बिल्कुल यहाँ पे एक नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा एंड तुम इसको आज ही ट्राई करना अपने डेस्कटॉप पे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे ऑडियो बिल्कुल यहाँ पे एडिट हो चुका है, ठीक है। तो अभी मैं तुमको थोड़ा सुनाता हूँ यहाँ पे कैमरा के थ्रू, ठीक है। अभी तुमको बिल्कुल यहाँ पे क्लियरली नहीं सुनेगा, बट मैं चाहता हूँ कि इसको तुम मुझे सेव करके सुनाता हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा तुमको सुनाता हूँ तभी, गाइस ये वाला वीडियो मैं तुमको बताने, ठीक है। तुम देख सकते हो काफी ज्यादा क्रिस्पी बन चुका, ठीक है। तो इसको तुमको सेव करके सुनाता हूँ, क्योंकि तुम कैमरा के थ्रू सुनोगे तो तुमको जो ऑरिजिनल आउटपुट समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो सेव करने के लिए फाइल पे क्लिक करना है यहाँ पे, उसके बाद तुमको यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे बहुत सारा तुमको फॉर्मेट मिलेगा, बट तुमको वेब में मतलब जो सेव करना है, देखो MP3 भी आ रहा है, वेब में तुमको सेलेक्ट करना है, ठीक है। मतलब वेब जो अच्छा क्वालिटी होता है, यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो तुम, जैसे मैं टेस्टिंग दे देता हूँ। उसके बाद तुमको जो यहाँ पे एंटर पे क्लिक कर देना है और कुछ सब चीज को यहाँ पे जो सेव कर लेना, ठीक है। अब हम लोग का सारा काम यहाँ पे हो चुका, ठीक है। गाइस ये वाला वीडियो में तुमको बताने वाला हूँ इंडिया के पांच मोस्ट सब्सक्राइब चैनल के बारे में। नंबर फाइव पे आते हैं टेक्नो गेमर्स, नंबर फोर पे आते हैं खानदेशी मूवीज, नंबर थ्री पे आते हैं टोटल गेमिंग, नंबर टू पे आते हैं जेके एंटरटेनमेंट एंड नंबर वन पे आते हैं कैरी मिनाटी। गाइस ये वाला वीडियो में तुमको बताने वाला हूँ इंडिया के पांच मोस्ट सब्सक्राइब चैनल के बारे में। नंबर फाइव पे आते हैं टेक्नो गेमर्स, नंबर फोर पे आते हैं खानदेशी मूवीज, नंबर थ्री पे आते हैं टोटल गेमिंग, नंबर टू पे आते हैं जेके एंटरटेनमेंट एंड नंबर वन पे आते हैं कैरी मिनाटी। सो गाइस मैंने तुमको यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर का ऑडियो सुना दिया, तुम यहाँ पे खुद देख सकते हो कि कितना ज्यादा डिफरेंस आ चुका है। अगर तुम्हें कुछ स्टेप से ये तीन स्टेप को फॉलो करते हो तो तुम्हारा भी ऑडियो कुछ स्टेप का हो जाएगा। एंड हाँ, तुम लोगों को यहाँ पे बार बार वीडियो देखना ना पड़े, इसलिए मैंने तुम लोगों के लिए यहाँ पे जो नोट्स बना रखा है PDF फॉर्म में, उसको तुम डायरेक्टली जो मेरे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो और नोट्स का पासवर्ड ये तुम्हारा
तुम्हारा स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है। नोट्स को डाउनलोड कर लेना, जो भी मैंने तुमको यहाँ पे वीडियो में बताया उसको मैंने जो पॉइंटर वाइज नोट में बता रखा है। एंड गाइस अगर तुम यहाँ पे अभी तक वीडियो देख रहे हो तो फटाफट से तुमको कमेंट सेक्शन पे 222 कमेंट कर देना, जिससे मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा। एंड गाइस अगर तुम्हारे पास यहाँ पे पीसी नहीं ऑडेसिटी के लिए, तो तुम ये वाले वीडियो पे क्लिक करके इसको यहाँ पे वॉच कर सकते हो। इसमें मैंने काइन मास्टर में काफी अच्छे तरह से वॉइस एडिटिंग करना बताया। एंड अगर तुमको नेचुरली अपने वॉइस को यहाँ पे अच्छा करना है तो तुम उसके लिए ये वाले वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो मिलता हूं यार मैं तुम लोगों से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए तुम जहां पर भी हो जैसे भी हो, स्टे मोटिवेटेड, कीप वर्किंग, कीप ग्रोइंग।